वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एट आज सुबह दिल्ली सलमान कवरेज ने रहा, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि शकील सिद्दीकी साहब जो है वो डॉल्फिन पार्क बना रहे हैं और आज यहाँ पे डॉल्फिन का ऑडिशन हो रहा है। अली तबसुम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आज तो माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ हैं। हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। अभी आपसे बातचीत होती है, भाभी सलामकुम, बच्चों सलामकुम, अभी आपसे मिलूंगा। मेरे साथ हमारे इस डॉल्फिन पार्क के, खैर ये फैशन शो है जोक से साइड, हमारे साथ हमारे डिजाइनर मौजूद हैं इमरान जी। सलामकुम जी। यार ये मुझे बताओ कि तुमने इतने खूबसूरत गबरू नौजवान होते हुए भी सिर्फ खवातीन के कपड़े बनाने के बारे में क्यों सोचा? क्या बचपन में अम्मी तुम्हें कहती थी गुड़ियों के कपड़े बना के खेला करो? कहीं मैं भी क्या कहते हैं कौन सी चीज होती है मुझे बता दो, कोई भी चीज, मूवी मूवी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। मैं किसी मूवी का नहीं, मैं तो दो दोस्तों का जिक्र कर रहा हूं। दोस्त साना का इतना बन जाए, इसलिए मैंने कहा कि लेडीज पे ही काम करें ज्यादा बेहतर। आपने लेडीज पे जब काम किया तो लेडीज को पता था कि आप उन पे काम कर रहे थे? नहीं, अब पता चल गया सबको। अच्छा पता चल गया। अच्छा आपके जो डिजाइन है ये किस उम्र की लेडीज जो है ये पहन सकती है? हर उम्र की लेडीज पहन सकती है। औरतों की हर उम्र तो होती नहीं, औरतों की उम्र तो 30 के बाद रुक जाती है, बस वो वहीं पे रुकती है, वो पहन सकते हैं उसमें। अच्छा खैर ये बताएं कि आज जो आपने जो समर फेस्टिवल के हिसाब से कपड़े बनाए हैं तो ये आप वापस ले लेंगे मॉडल से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उनको पता है इस चीज़ का? बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा खवातीन हज़रात ये उनको पता है। आइए चल के हम अपने फैशन शो का आगाज करते हैं और हम आपको बताते चले, इट्स एन ऑनर अगेन कि शकील सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और उनका एक बेटा हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ कॉमेडियन वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे उनके टैलेंट का मुजाहरा भी करवाएंगे। आइए शकील साहब के साथ बैठिए। इस ये अपने दिमाग में बड़ा क्लियरली रखिएगा कि जिस तरह के कपड़े आएंगे उसी तरह के शकील साहब से रिस्पॉन्स मिलेगा। शकील भाई इसको थोड़ा ढक लें, इधर बैठो बेटा। शो शुरू किया जाए।
जी गौद्दीन हजरात, जी आपने देखा शकील सिद्दीकी साहब और अली सलमान ने जो है ये डॉल्फिन पार्क बनाने के लिए जो हमने टैलेंट हंट किया स्कीम शुरू की है। अभी तक मैं एक बात कहूँ जी शकील भाई, जितने भी लड़के लड़कियाँ थे सब अच्छे थे माशाल्लाह। और ऐसे ही होता है, शुरू में जब आदमी आता है तो मजाक का भी निशाना बनता है। Correct. और जब हम भी शुरू में आए थे एक्टर बने तो हम तो बहुत मजाक का निशाना बने थे, शक्ल देखी है क्या बनेगा क्या होगा। तो मेरा तो ईमान ये है कि जिसका जितना मजाक उड़ाया जाता है वो उसको उतनी शर्त देता है। वो आपका ईमान है, मिसाल है अमिताभ बच्चन साहब है माशाल्लाह। जब लोगों ने उनको कहा हिंदुस्तान में क्या लंबू आ गया, ये क्या हीरो बनेगा, आज देख ले अमिताभ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शाहरुख खान के बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल शकील भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जब इंसान शुरू में आता है, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो लोग इसी तरह मजाक उड़ाते हैं, मगर जब वो स्टार बन जाता है सबसे पहले वहीं जाके उसकी तारीफ कर रहा होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद आज सुबह अली सलमान से।